ये महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में रैली हो रही है। अभी अपडेट आ गया है कि रैली शुरू हो चुकी है। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। इस रैली में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैली में है और अभी पंकज सिंह संबोधित कर रहे हैं इस रैली को। स्वतंत्र देव सिंह भी इस रैली को संबोधित करेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रैली में शामिल होंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता। गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती मंडल की ये रैली है। 11 जिले के कार्यकर्ता और नागरिक शामिल होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये विशाल जनसभा है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ये विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, अग्रिम पंक्ति में आप देख रहे हैं, और ये वो जनता है, वो कार्यकर्ता है जो नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं। प्रताप जी, सर आज बहुत इतनी विशाल रैली हो रही, क्या कहना चाहिए? संशोधन अधिनियम के समर्थन में, नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में गोरखपुर क्षेत्र से संबंधित जो हमारे माननीय रविंद्र कुशवाहा जी समर्थक हैं, कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी के इस कदम को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं, मंच के बाईं तरफ बड़ी संख्या में जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, कुर्सी है, आप लोग काशी वाराणसी में भी था, वहाँ पर भी बहुत ऐतिहासिक रैली हुई है, तो जो गफलत पैदा करने की कोशिश की गई इस रैली के माध्यम से वो गफलत भी कुछ लोगों भ्रम पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते थे, उनका पर्दाफाश भी हो रहा है। और नागरिक संशोधन अधिनियम शरणार्थी जो इस देश के अंदर मजबूर होकर के आए थे, इस देश में आए थे, उनको नागरिकता देने का है, किसी के नागरिकता छीनने का नहीं है, इसलिए ये जनता के बीच में जा रही है। कैमरोग्राफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नव निर्वाचित जनता जनार्दन से देव तुल कार्यकर्ता।